नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद वाराणसी पहुंचे नड्डा। ताज होटल में 45 मिनट तक की हाई लेवल मीटिंग। रेलवे पुल से नीचे गिरकर दो युवकों की मौत। इटावा में रेलिंग से बाइक टकराने पर हादसा। गुरुग्राम में जा रहे थे औरैया। मोबाइल बिजी होने पर प्रेमिका को मार डाला। मिलने के लिए बुलाया, फिर सिर पर माली गोली। मिर्जापुर से खरीदा था तमंचा। बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध 8वें दिन जारी। बोले, इसकी जरूरत नहीं, यहां कुंज गलियां बिहारी जी की पहचान। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का 1800 करोड़ का टैक्स माफ। अयोध्या में निधि समर्पण अभियान में ट्रस्ट को मिले थे 5500 करोड़ रुपए। भतीजी ने बेटी और बॉयफ्रेंड संग बनाया लूट का प्लान। घर पहुंचते ही डॉगी के भौंकने पर सभी भागे थे। शिवलिंग कार्बन डेटिंग मामले में 20 मार्च को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के एसआईआई को जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का दिया समय। नोएडा की पहल हाइड्रोलिक वाहन पार्किंग तैयार। 1 सप्ताह में कंपनी करेगी हैंडओवर। एक साथ 400 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। आगरा में पुलिस कस्टडी से आरोपी को छुड़वाया। पुलिस सिर्फ एक आरोपी को थाने तक ला सकी। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने अधेड़ को मारी टक्कर। मलबेहड़ गन्ना सेंटर के पास हुआ हादसा। व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। गाजियाबाद में टीटीई ने यात्रियों को ट्रेन में पीटा। जुर्माने की रसीद मांगने पर भड़का। जनरल टिकट पर स्लीपर में चढ़ा था युवक। बहराइच में 21 जनवरी को रोजगार मिला। युवाओं को मिलेगी 20,000 की नौकरी। 71 पदों पर होगी ये भर्ती। चंदौली पुलिस के हत्थे चढ़ा किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी। पुलिस को चकमा देकर चल रहा था फरार। पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। महिला के साथ दिखा साइको किलर। वीडियो बनाने वाले ने बताया कि वो चीख रही थी। लखनऊ में मिली लास्ट लोकेशन। ज्वाइनिंग के पहले महिला बाबू मांग रही है घूस। प्रयागराज में मांडा सीएससी की महिला बाबू ने सीएचओ से मांगे 2000 रुपए। उन्नाव में 30 को होने वाले विधान परिषद चुनाव। एसपी ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। 2 फरवरी को होगी मतगणना। एसडीएम और पूर्व विधायक ने मीट मंडी का किया निरीक्षण। लोगों ने की 20 शहर में हटवाने की मांग। बहराइच सीडीओ ने जुड़वा बेटी को दिया है जन्म। विकास भवन में मनी खुशियां। अफसरों और कर्मचारियों ने बांटी मिठाइयां। कन्नौज पुलिस ने कंटेनर लूटने वाले 3 बदमाशों को पकड़ा। कंटेनर में भरे थे 1 करोड़ की कीमत के स्मार्टफोन, तमंचे और कार बरामद। हापुड़ विधायक ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से की है मुलाकात। जिला अस्पताल और सीएससी में उपकरणों की मांग। देवरिया में अनियंत्रित ट्रेलर ने 3 को रौंदा है। मौके पर कई
थानों की पुलिस तैनात, चालक गिरफ्तार। फतेहपुर में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, साइकिल से रिश्तेदार के यहां जा रहे थे, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर एसपी ने पुलिस लाइन में ली परेड की सलामी, भोजनालय स्टोर का किया निरीक्षण। हरदोई में डीसीएम और कार में टक्कर, एक की मौत, तीन की हालत गंभीर, शादी में सीतापुर से संडीला जा रहे थे सभी। श्रावस्ती में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पड़ोसियों से विवाद के बाद खाया जहर, सात बच्चों के सिर से उठा मां का साया। बुलंदशहर में दो अलग अलग हादसों में दो दोस्तों सहित चार की मौत हुई है, मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में गौशालों में भूख प्यास और ठंड से दम तोड़ रहा है गौवंश, गौवंश को ट्रैक्टर ट्राली में घसीटकर ले जाने का वीडियो हुआ है वायरल। बुलंदशहर में 11वीं क्लास का छात्र रहस्यमय तरीके से हुआ गायब, अनूपशहर कोतवाली पुलिस ने छात्र की शुरू की तलाश। एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बेनामी संपत्ति इनकम टैक्स ने किया अटैच, गोमती नगर में बन रहा है सपनों का महल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की जमानत हुई मंजूर, 25 जुलाई 2022 से जेल में बंद है विधायक। आगरा G20 सम्मेलन में दिखा ब्रज की संस्कृति का जादू, विदेशी मेहमानों के स्वागत में जुटा आगरा प्रशासन। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम विजय पाठक, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों में काम किया है, उसे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। बदायूं में गौकशी करने वाले बदमाशों और सहजवान पुलिस में हुई है फायरिंग में दो बदमाश हुए घायल। फिरोजाबाद में वकील के घर महिला क्लाइंट ने किया धरना, कवरेज के लिए आए पत्रकारों पर टूटा वकील, वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर हुई है मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर में लहूलुहान हालत में घर में मिला महिला का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश में जुटी। गाजियाबाद में सुसाट की रफ्तार से रैपिड रेल ने पूरा किया 17 किलोमीटर का सफर, पहला ट्रायल सफल रहा। पहलवानों के आरोपों पर कुश्ती संघ अध्यक्ष ने कांग्रेस पर लगाया साजिश का आरोप, बोले कांग्रेस ने फिर से मेरे खिलाफ साजिश दोहराई है। परिवहन विभाग व जिला प्रशासन की तरफ से महिलाओं की रैली का किया गया है आयोजन, 200 स्कूटी सवार महिलाएं हुई शामिल। हरदोई में महिला संबंधी कानून का दुरुपयोग करने वाली महिला को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, पुलिस ने महिला को भेजा जेल। रायबरेली में जिला कारागार में बंदी की हुई है मौत, बंदी की मौत से मचा है हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में नगर पंचायतों की स्वच्छता कर्मियों को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित, सर्दी से बचने के लिए उनको दी गई थी वर्दी।
रायबरेली में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग, दो युवकों को लगी गोली, हालत गंभीर, लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया नगर पालिका परिषद में सड़कों पर घूमते हैं आवारा गौवंश, लगातार सड़सड़ों के लड़ने का वीडियो हुआ है वायरल। बुलंदशहर में दो पक्षों में मारपीट और हवा में तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने दर्ज की है FIR। कानपुर में बिकरू कांड के आरोपित खुशी दुबे की कल होगी रिहाई, सुप्रीम कोर्ट से मिली है खुशी दुबे को जमानत। बुलंदशहर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, दो महीने पहले अकबरपुर के सतीश के साथ हुई थी विनेश की शादी। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ा मामले में पुलिस ने आम लोगों से की है अपील, विधायक की संपत्तियों के बारे में फोन पर दे सूचना। बुलंदशहर में आगामी पर्वों के मद्देनजर खाकी का पैदल मार्च, SSP श्लोक कुमार ने पुलिस टीम के साथ किया पैदल मार्च। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लोकार्पण विभाग की हुई है बैठक, मंत्री आशीष पटेल ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। बुलंदशहर में शिकायत का फर्जी निस्तारण करने पर किसान ने दी है आत्महत्या की धमकी, आत्महत्या की चेतावनी का वीडियो हुआ वायरल। बुजुर्ग ने अपने ही पोते पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप, पीड़ित के मुताबिक उसके पोते हर्ष के ससुराल वाले भी हैं सम्मिलित। सस्ती में पड़ोसन की पिटाई से क्षुब्ध अविवाहिता ने खाया है जहर, जहरीला बीज खाने से महिला की हुई मौत। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में महिला से गैंगरेप, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की FIR। बिजनौर में कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मासूम को उतारा है मौत के घाट, पुलिस ने कलयुगी मां को किया गिरफ्तार। सीएम योगी के साथ गाजीपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, पवहारी बाबा के आश्रम में की है पूजा, पूर्व सैनिकों से की मुलाकात। शामली में प्रधानपति ने की है गाली गलौज, तालाब में मिट्टी खोदकर बेचने का विरोध करने पर नाराज लोगों ने किया विरोध। संभल में मां ने दुधमुहे बच्चे को पटक कर मार डाला, पति ने दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में परिजनों ने की युवती की हत्या, शव को घर में दफन कर फरार, प्रेम प्रसंग का कर रहे थे विरोध। बलिया में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, चोरी की बाइक के साथ वाहन चोर गिरफ्तार, नंबर प्लेट बदलकर चला रहा था बाइक। शामली में महिला पहलवानों के समर्थन में किसान यूनियन, आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग। रामपुर प्रशासन सोता रहा, सरकारी आवासों पर कब्जे होते रहे, बड़े पैमाने पर अवैध कब्जेदारों से खाली कराए आवास, हड़कंप। प्रयागराज में इंडियन ऑयल डिपो के सामने धमाका, विस्फोट से जुड़ी
उड़ी है घर की छत, महिला बुरी तरह से हुई घायल। बदायूं में पुलिस कर्मियों संग परेड में दौड़े एसएसपी, कंट्रोल रूम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया, अन्य शाखाओं का भी निरीक्षण। मौसम बदलने से अस्पतालों में मरीजों की लगी है लाइनें, पीएससी और सीएससी में बढ़ रही है महिलाओं की भीड़, दिए सावधानी बरतने के निर्देश। सुल्तानपुर में दो युवकों को पेड़ से बांधा, लोगों ने की है मारपीट, खेल के दौरान हुआ था विवाद, प्रधान ने करा दिया समझौता। हरदोई में फ्लाईवुड इंडस्ट्रीज में प्रशासन संयुक्त छापा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत फ्लाईवुड इंडस्ट्रीज को टीम ने किया सीज। मऊ में पत्नी के दुकान कब्जा करने दोस्तों के साथ पहुंचा था पति, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, पति फरार। बहराइच में दिखी डीएम की दरिया दिली, फरियादी को देख डीएम ने रोका काफिला, समस्या सुन निस्तारण का आश्वासन दिया। बीआरवी पुलिस कर्मियों की पिटाई से किसान हुआ लहूलुहान, चीनी मिल में गार्ड और किसान के बीच हुआ था विवाद। मैनपुरी में किसानों की महापंचायत में एसडीएम से अभद्रता, घंटों घेर कर बैठाया किसानों का आरोप, तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर। बलरामपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कैंप आयोजन, लोगों को सड़क सुरक्षा की दिलाई गई शपथ, 23 को मनाई जाएगी मानव श्रृंखला। कौशाम्बी में बरातियों की अधिवक्ता को पिटाई, कार तोड़ी, सड़क किनारे खड़ी बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ। फर्रुखाबाद में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर, अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।